नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2021 में वटसवित्री व्रत कब है। अब शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में वटसवित्री व्रत बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वटसवित्री व्रत तिथि, महत्व, पूजा विधि और सामग्री के बारे में। वर्ष 2021 में वटसवित्री व्रत 10 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि शुरू होगी 9 जून 2021 को दोपहर 1:57 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 जून 2021 को शाम 4:20 पर। व्रत का पारण 11 जून 2021 दिन शुक्रवार को है। अब बात करते हैं वटसवित्री पूजा सामग्री के बारे में। सवित्री सत्यवान की मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रौली, सुहाग का सामान, पूड़ियां, बरगद का फल, जल से भरा कलश। वटसवित्री व्रत का महत्व। वटसवित्री व्रत अखंड सौभाग्य की कामना और संतान प्राप्ति की दृष्टि से काफ़ी शुभ फलदायी होता है। इस व्रत में सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ और सवित्री सत्यवान की पूजा करती हैं और बरगद के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा लगाती हैं। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए वटसवित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस व्रत पर वटसवित्री व्रत की कथा केवल सुनने से ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही वटसवित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति और धन लक्ष्मी का वास होता है। वटसवित्री व्रत की पूजा विधि। जो महिलाएं वटसवित्री का व्रत रखना चाहती हैं, वे व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने व्रत का संकल्प करें। इस दिन सुहागन महिला पूजा से पहले श्रृंगार कर ले। अब पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें और उन्हें कपड़े से ढक दें और एक अन्य बांस की टोकरी में देवी सवित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें। इस प्रतिमा और वट वृक्ष पर महिलाएं सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और कच्चे सूत के धागे या लाल कलावा से वृक्ष के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 7 बार लपेटें। इसके बाद महिलाएं वटसवित्री व्रत की कथा सुने या पढ़े। शाम को पूजा करके प्रसाद सभी में वितरित करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।